अजीज दोस्तों, रमजान मुबारक की 27वीं शब से लेकर लैलतुल कदर की उस रात से लेकर आज तक पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें फलस्तीन पर लगी हुई है और खास तौर पर मुस्लिम उम्मा के वो लोग जो दर्द दिल रखते हैं, वो दिन रात इस खबर की तलाश में रहते हैं कि मजलूम कश्मीर, मजलूम फलस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि 27वीं रमजान की शब इसराइली फौज ने किबला वल बैतुल मुकद्दस में दाखिल होकर वहां नमाजियों पर तशद्दुद किया। फिर चांद रात जब फलस्तीन के मासूम बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे शॉपिंग के लिए बाजार गए थे, खिलौने खरीद रहे थे, कपड़े खरीद रहे थे, उन पर फायरिंग करके उनको शहीद किया गया। और फिर ये चंद ही मीडिया हाउसेस थे जो इन खबरों से दुनिया को आगाह कर रहे थे। दुनिया का सो कॉल्ड आजाद मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया, आजाद मीडिया बिल्कुल बायस हो चुका है, तासब का शिकार हो चुका है, उन्हें फलस्तीनियों का खून नजर नहीं आता। और जो मीडिया खबरें दे रहा था उस मीडिया हाउस पर भी इसराइल ने मिसाइल गिराकर उन मीडिया हाउस को तबाह कर दिया ताकि आप तक कोई खबर ना पहुंचे। बदकिस्मती की बात यह है कि सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट मीडिया इसको कंफ्लिक्ट कहता है। भाई एक तरफ से जहाज आ रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, दूसरे के पास एयरफोर्स या फलस्तीन के पास एयरफोर्स ही नहीं है, इसराइली जहाज जाते हैं बमबारी करते हैं, दूसरी तरफ इसराइल के टैंक जाते हैं, उनकी फौज जाती है गोलाबारी करती है, फलस्तीन की रेगुलर आर्मी नहीं है, उसकी एयरफोर्स नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट किस बात का है? अगर दो मुल्कों के दरमियान कोई झगड़ा हो सकता है इस तरह कि जहां बराबरी का मसला हो, ये तो एग्रेशन है, ये इंसानियत पर अटैक है। इसलिए आपने देखा होगा कि जंगों को भी कुछ कानून होते हैं, वहां इबादतगाहों पर अटैक नहीं किया जाता, बच्चों पर अटैक नहीं किया जाता, मीडिया पर अटैक नहीं किया जाता। इसराइल ने इन तीनों जंगी कानून जो है उनकी भी खिलाफ वर्जी की है, लेकिन हमने तो सुना था कि जंगल के भी कुछ कानून होते हैं, लेकिन इसराइल ने ना किसी जंगल के कानून का ख्याल रखा, ना किसी जंग के कानून का ख्याल रखा। लेकिन आप तक कुछ ना कुछ खबरें पहुंच रही हैं। आज फलस्तीन के हमारे वो बहादुर जर्नलिस्ट जो अपनी जान हथेली पर रखकर दुनिया को पल पल की खबरें दे रहे हैं, आज 3 बजे हमारे साथ वो तमाम जर्नलिस्ट, बड़े जर्नलिस्ट जो मुसलसल 27वीं रात से लेकर आज तक शायद 24 घंटों में 1 घंटा भी ना सोते हो, वो आज 3 बजे हमारे साथ जूम पर ऑनलाइन होंगे, इसी फेसबुक पर वो ऑनलाइन होंगे, जिसके साथ पाकिस्तान के मायनाथ जर्नलिस्ट तमाम जो है अहमद मीर साहब, मजहर बाद साहब, मशाह सगीर साहब, बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट बैठे होंगे और आपस में गुफ्तगू करेंगे कि ये जो इंसानियत पर हमला है, ये जो मीडिया पर हमला है। इसके बाद सीनियर सहाफी शफीक कुरैशी की जेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोजनामा 99 न्यूज, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैन अलाक्वामी खबरें दौरे जदीद के तकाजों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news